एक वर्ष से कोरोना संक्रमण जैसी वैश्विक महामारी की मार झेल रहे हिंदुस्तान के लिए आज का दिन ऐतिहासिक साबित हुआ है। कोरोना संक्रमण के खात्मे के लिए जिस वैक्सीन का इंतजार देश भर के लोगों को था, वह वैक्सीन आज देश भर में एक साथ कई लोगों को लगी। करनाल में इस अभियान की शुरुआत 47 वर्षीय एक सफाई कर्मचारी ने की। कर्मचारी खुद वॉलंटियर बनकर आगे आए और वैक्सीन लगवाई। कर्मचारी के द्वारा वैक्सीन लगवाने से ऐसे लोगों को संदेश मिला है जो इस बात को लेकर संशय में थे कि ये वैक्सीन सुरक्षित है या नहीं। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों ने एक एक करके वैक्सीन लगवाई। आपको बता दें कि करनाल में 5 केंद्र बनाए गए हैं जहां पर कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। इस अभियान की शुरुआत करनाल के नागरिक अस्पताल से प्रत्येक केंद्र पर हुई। इससे पहले राष्ट्र के नाम संबोधन में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना पर विजय पाने के लिए जिस तरह से जनता ने सहयोग किया है वह काबिले तारीफ है। कोरोना पर कम समय में विजय पाने वाला भारत पहला देश है। लॉकडाउन के दौरान भारत ने विश्व के अन्य देशों में भी दवाइयां और टेस्टिंग उपकरण उपलब्ध करवाए हैं। यह सब जनता के सहयोग से ही संभव हो पाया है। प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद कोरोना वैक्सीन का अभियान शुरू हुआ और आज का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। करनाल से तरुण मदान की रिपोर्ट। ये हम सब के लिए, करनाल के लिए, सबके लिए एक ऐतिहासिक दिन है, जबकि कोविड महामारी का एक निर्णायक दौर में हम पहुंच रहे हैं। और आज से टीकाकरण माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी शुभारंभ किया है और उसी के कड़ी में अभी करनाल जिले में भी सिविल हॉस्पिटल से ये इसका शुभारंभ हम करेंगे। और इसके सबसे पहले हमारे जो यहाँ के सफाई कर्मचारी हैं उनसे पहला टीकाकरण उनको किया जाएगा और उसके बाद सभी हमारे जो अधिकारी हैं, सीनियर ऑफिसर्स हैं और मैं खुद भी ये इंजेक्शन लूँगा। सर, ये इंजेक्शन लगाने के करवा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल करवाना चाहिए। मैं सभी को कहूँगा जिनकी आज नाम है वो सब आगे आएँ और इंजेक्शन लगवाएं। बहुत ही सेफ इंजेक्शन है और ये एक तरह से हम मैसेज भी देना चाहेंगे, किसी को किसी प्रकार की घबराने की बात नहीं है। बहुत सेफ, अच्छा वैक्सीन है जो और कोविड की महामारी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एक कदम है। आप लगवा रहे हैं? क्या मैं लगवा रहा हूँ? नहीं, किसी को कंपलसरी नहीं है, इट इज़ टोटल वॉलंटरी है। जो जो लगवाना चाहता है वो लगवा सकता है। आज के लिए 5 इनॉग्रेशन के लिए हैं, सिविल हॉस्पिटल, कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज, पार्क हॉस्पिटल, CSC गोरंडा और CSC कुंजपुरा में लगाया जा रहा है। तो सर, जिस तरह सफाई कर्मचारियों ने कहा हम नहीं लगवाना चाहते, नहीं, वो अगर उनको कोई भ्रांतियां हैं वो हम उनसे सब उनको समझाएंगे, ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। इसी के लिए हम सभी ऑफिसर्स भी इस इंजेक्शन को लगवा रहे हैं कि कोई पूरी तरह सेफ इंजेक्शन है। सर, एंटीबॉडीज कितने दिनों के बाद बनेंगे? सेकेंड इंजेक्शन के 14 दिन के बाद एंटीबॉडी रिस्पॉन्स आना शुरू होता है, तो हमें तब तक पूरी तरह सारी जो प्रिकॉशंस लेते हैं वो लेते रहना है। तो सर, इसका मतलब ये मतलब तो ना निकालना कि अगर कोविड के वैक्सीनेशन हो जाती है तो इंसान अपने आप को नहीं नहीं पहले दो मैंने बताया दो वैक्सीन की डोज लगने के 15 दिन बाद तक आपको पूरी तरह पूरी सारी प्रिकॉशंस लेके चलना है। और बाकी सारी सोसाइटी में, क्योंकि अभी सबको वैक्सीनेशन नहीं हुई है, अपनी प्रिकॉशंस लेते रहना। राज्य सफाई कर्मी के द्वारा यहाँ पर शुरुआत की जाएगी, इसके माध्यम से क्या संदेश आप जनता को दे? हम ये कहना चाहते हैं, नहीं नहीं ये एक हमारा समाज का, स्वास्थ्य विभाग का अपने सफाई कर्मचारियों के प्रति एक श्रद्धा है और उनके उनके काम को, उनकी डिफिकल्ट वर्क को जो उन्होंने कोविड में किया है उनको सम्मान करते हुए उनको सबसे पहले इंजेक्शन लगाया जा रहा है। ये देखिए, ये मैं आपको मिलवाता हूँ कि जिन सफाई कर्मचारी जिस सफाई कर्मचारी ने सबसे पहले जो सफाई कर्मचारी सबसे पहले वैक्सीनेशन के लिए आई है, आप वैसे स्वस्थ ठीक हैं? अपने आप को कैसा महसूस? बिल्कुल ओके हैं सर। क्या नाम है आपका? राम कुमार। राम कुमार जी, आपको कैसा लग रहा है कि आप एक पहले व्यक्ति हो रहे हैं जो कि इस टीकाकरण अभियान की शुरुआत कर रहे हैं, जबकि बड़े बड़े अधिकारियों ने कहा था कि हम पहले करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप आगे आए हैं, इसमें आपको कैसा महसूस हो रहा है? ठीक है, बिल्कुल ओके सर। आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं? बिल्कुल ओके हैं। और दिमागी तौर पर भी तंदुरुस्त हैं? बिल्कुल। सर, कहाँ के रहने वाले हैं आप? करनाल के हैं सर। आपका पूरा नाम? राम कुमार। सर, आप कहाँ पर नौकरी करते हैं? यहीं पे करता हूँ सर। ये थे हमारे सर राम कुमार जी। मैं आपको बता दूं कि करनाल में जो टीकाकरण अभियान की शुरुआत होनी हुई है, इसमें सबसे पहले यही ऐसे बेनिफिशियरी हैं, यही ऐसे वॉलंटियर हैं, यही ऐसे वॉलंटियर हैं जो सबसे पहले आगे आए हैं। इनका नाम राम कुमार है और ये करनाल के रहने वाले हैं सफाई कर्मी के तौर पर। हालांकि CMO साहब इससे पहले हमें ऐसे कह चुके हैं, इनके माध्यम से यह जनता को यह संदेश देना चाहते हैं कि यह वैक्सीन पूरी तरह से सेफ है, इसके लिए किसी भी तरह से घबराने की जरूरत नहीं है। नहीं सर, कोई घबराहट महसूस हुई है? आप कहाँ से हैं, क्या नाम है आपका? राम कुमार।
राम कुमार है, कहाँ से आए आप? मैं यहाँ बंसोगेट से, करनाल से हूँ। करनाल से हो, क्या आपको पहले कोरोना था? नहीं सर। कोई ऐसी अभी इंजेक्शन लगाया है, कुछ आपको हलचल नजर आ रही है? किसी तरह का कोई चक्कर वगैरह आ रहा है, उल्टी दर्द वगैरह कुछ है? राम कुमार जी क्या बताना चाहेंगे, पहला करनाल का टीका आपको लगा है, क्या कहना चाहेंगे? सर सफाई कर्मचारी हैं आप? सिविल में, सिविल हॉस्पिटल में। कभी आपको पहले खांसी जुकाम बुखार हुआ? सर इससे पहले कोई और तकलीफ आपको, नहीं वगैरह, या कोई ऐसी कोई दिक्कत रही हो? कुछ नहीं सर। कोई आपको कोरोना काल में कोई आपको अभी तक घबराहट हुई है? नहीं नहीं, कोई घबराहट नहीं। इससे पहले आपने कभी कोरोना का टेस्ट करवाया था? बिल्कुल ओके सर। देखिए ये थे हमारे साथ राम कुमार जी, जिनका जिन्होंने सबसे पहले करनाल में सिविल अस्पताल में वैक्सीनेशन लिया है, टीकाकरण करवाया है, और हमारी इनसे बात हुई है। इनका ये कहना है कि ये 47 साल के हैं, करनाल के सिविल हॉस्पिटल में सफाई कर्मचारी हैं। इससे पहले इनको कोई भी तकलीफ नहीं थी, और अब इंजेक्शन लगवाने के बाद भी इन्हें किसी तरह कोई दिक्कत महसूस नहीं हो रही। जो भी सिम्टम्स इन्होंने बताए थे वो उनका बिल्कुल, इनको कोई भी ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि हाँ इनको कुछ हुआ है। अब ये ऑब्जर्वेशन रूम में 30 मिनट्स तक बैठेंगे। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इस टीकाकरण के पूरे अभियान में एक व्यक्ति पर 35 मिनट लगने हैं, 5 मिनट वैक्सीनेशन के लिए और 30 मिनट ऑब्जर्वेशन रूम में। इस समय मेरे साथ मौजूद हैं करनाल के सामान्य अस्पताल के PMO डॉक्टर पीयूष शर्मा, जो कि वैक्सीनेशन के बाद रूम से बाहर आ चुके हैं। सर आप क्या कहना चाहेंगे इस सारे टीकाकरण अभियान के बारे में, क्योंकि ये हिंदुस्तान के लिए आज का दिन ऐतिहासिक दिन है, जिस महामारी से हम पिछले एक साल से लड़ रहे थे उसका अंत अब होने वाला है। इस टीकाकरण अभियान के लिए मैं सरकार के जो प्रयास हैं आम जनता के लिए, उनका एक भागी बनकर मैं खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं, और मैं सिविल अस्पताल करनाल की अपनी टीम का लीड करते हुए, सबसे पहले हमने सिविल अस्पताल करनाल में टीका अपने आप को लगवाते हुए, हम ये बताना चाहते हैं कि ये टीका बिल्कुल सेफ है, किसी तरह का डरने की जरूरत नहीं, किसी भी तरह की अफवाहों पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, और बीमारी से लड़ने के लिए ये हमारा एक अचूक जो शस्त्र है वो सरकार ने हमें आम जनता के लिए उपलब्ध करवाया है। सर ये टीका बिल्कुल सेफ है, लेकिन कल शाम को सब कुछ सफाई कर्मचारियों ने यह कह दिया था कि वो अभी भी संशय में हैं, वो लगवाना नहीं चाहते, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उनको अपील करना चाहूँगा कि ये टीका बिल्कुल सेफ है, इसी को दिखाते हुए, इन्हीं को करने के लिए हम सबसे पहले खुद अपने आप को टीका लगवा रहे हैं, ताकि किसी भी तरह की भ्रांति उनके दिमाग में ना रहे। टीका बिल्कुल सेफ है, और आम बीमारियों की तरह जैसे वैक्सीनेशन दूसरी बीमारियों के लिए होती है, उसी तरह वैक्सीनेशन इस बीमारी के लिए भी है। सर अब भी जिस तरह के सिम्टम्स बताए जाते हैं, नॉर्मली हर वैक्सीनेशन के बाद उस तरह के सिम्टम्स महसूस किए जाते हैं, जैसे चक्कर आना या टीका लगने वाली जगह का दर्द आना, वहाँ पर सर कुछ इस तरह फील हो रहा है? नहीं, ऐसी एक भ्रांति है, ये जो सिम्टम बताए गए हैं वो किसी को हो सकते हैं, ये नहीं कि हर एक को होने ही होने हैं। उन भ्रांतियों को बताने का सिर्फ ये मतलब है कि अगर आपको हो तो आप रिपोर्ट करें, ये जरूरी नहीं कि आपको होंगे ही होंगे। बहुत कम करना, मैं जनता से अपील ही करना चाहूँगा कि आगे आके इस टीकाकरण प्रोग्राम में भाग लें, और अपने नियत समय और समय के अनुसार अपने टीका जरूर लगवाएं। हमारे साथ डॉक्टर पीयूष जी, जिन्होंने जो वैक्सीनेशन के बाद सामने आए हैं और उन्होंने हमारे साथ क्लियर कर लिया है कि किसी भी तरह की भ्रांति में लोग ना आए, और यहाँ पर टीकाकरण अभियान सक्सेसफुल रहेगा, सक्सेसफुल हो चुका है। इससे पहले लोगों के मन में संशय ना रहे, इसलिए वह खुद सबसे पहले वॉलंटियर बनकर आगे आ रहे हैं। यह टीका बिल्कुल तरह सेफ है, हालांकि जो भी सिम्टम्स है वो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो उसने भी टीका लगवाना है उसको वो सिम्टम्स फील होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, और अभी तक वो अपने आप को बेहतर महसूस कर रहे हैं। मैं अब बात करने का प्रयास करूँगा, यहाँ पर RMO साहब थे हमारे, मैं आपको बताता हूँ RMO साहब हैं हमारे साथ यहाँ पर, डॉक्टर संधू इस समय वो सेल्फी पॉइंट पर हैं। मैं आपको बता दूँ कि टीकाकरण के बाद हम इनके साथ राजकुमार जी भी हैं, जिन्होंने सबसे पहले टीका लगवाया था। संधू साहब
सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत मुबारक, क्योंकि जिस महामारी से हम पिछले एक साल से लड़ रहे थे अब उसका अंत होने वाला है। धन्यवाद। आपने टीकाकरण अभियान में हिस्सा लेकर वॉलंटियर बनकर एक मिसाल पैदा की है। जिस तरह से एक सफाई कर्मी के माध्यम से आपने अभियान की शुरुआत की है, इसके माध्यम से आप जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं? धन्यवाद। हम सबसे पहले मोदी जी का धन्यवाद करते हैं कि उनके प्रयासों के बावजूद यहाँ इतनी इस देश को दो दो वैक्सीन मिली हैं, जिसकी जो कोविड वैक्सीन से पूरा एक साल से कोविड महामारी से जो एक साल से पूरा देश ग्रसित था उससे निजात पाने में सहायता मिलेगी सबको। और ये हेल्थ वर्कर्स के लिए सबसे पहले फ्री दिया गया है, जिसमें हमारे स्वीपर्स हैं, जितना पैरामेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर्स है, सबको उनसे शुरुआत की गई है। तो आज सर जिस तरह से पिछले कुछ दिन पहले मेडिकल कॉलेज में मॉक ड्रिल किया गया था, बताया गया था किन स्टेप्स के माध्यम से यह टीकाकरण चलेगा, सर यहाँ पर क्या उसी तरह के प्रॉपर स्टेप्स सुचारू रूप से चालू किए गए हैं? हाँ जी, बिल्कुल वही स्टेप्स फॉलो किए गए हैं जो कि फर्स्ट सिक्योरिटी गार्ड का है, जिसने कि आपका पहले वेरीफाई करना है कि आपके पास मैसेज आया है कि नहीं। मैं आपको दिखाता हूँ सिक्योरिटी का, ये आपका मैसेज आता है, ये मैसेज देख के फिर वो हमारा पैन कार्ड जो मैंने एंट्री के लिए दिया हुआ था, ये पैन कार्ड, उसके बाद फिर उन्होंने एंटर करते ही जो वैक्सीनेटर ऑफिसर टू है, वैक्सीनेटर ऑफिसर टू जो हमारा कंप्यूटर ऑपरेटर है, वो कोविन ऐप पर सारी हमारी डिटेल्स जो ऑलरेडी अपलोडेड हैं उसमें वेरीफाई करता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो आएगा हमारा वैक्सीनेटर ऑफिसर थ्री, जिन्होंने वैक्सीन देनी है, जो हमारे एएनएम्स है, उन्होंने वैक्सीन दी है। उसके बाद फिर ये ऑब्जर्वेशन एरिया है जहाँ 30 मिनट्स के लिए आपको बैठना है, और अब मैं बैठना चाहता हूँ। प्लीज बैठिए। ये थे हमारे साथ आरएमओ डॉक्टर संदूर, जिन्होंने वैक्सीन भी करवा ली है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा हमारे कैमरा पर्सन सनी चौधरी जी, आपको पहले भी वैक्सीनेशन रूम का दिखा चुके हैं। मैं एक बार फिर से बात करने का आपको बता दूँ कि आज का दिन करनाल क्या हिंदुस्तान के लिए बड़ा ही ऐतिहासिक दिन है। कोविड से लड़ाई लड़ते हुए जिस वैक्सीन का इंतज़ार दुनिया कर रही थी, वह वैक्सीन आज से लगनी शुरू हो गई है। आप करनाल में, मैं आपको बता दूं, करनाल जिले में 5 सेंटर बनाए गए हैं। प्रत्येक सेंटर में 100 लोगों को एक दिन में वैक्सीन लगाई जाएगी। उसके बाद जो भी अगली गाइडलाइंस होगी, उच्च अधिकारियों से जो भी आदेश मिलेंगे, उसके बाद आगामी कार्रवाई का अमल में लाया जाएगा। मेरे साथ डॉक्टर बलवान सर। हाँ जी, हाँ जी सर, आप कैसा महसूस कर रहे हैं वैक्सीनेशन के बाद? मैं तो बहुत खुश हूँ, लगवा के सबसे पहले लगवा। ना कोई दिक्कत नहीं हो रही, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल। सर, लोगों के मन में जो वहम थे, सब क्या था? नहीं, कोई वहम नहीं लोगों में, हम तो कोई वहम पहले भी नहीं था। आपके मन में नहीं था, लेकिन लोगों के मन में? नहीं, लोगों में भी हमारे देख के दूर हो जाएगा लोगों का मन। हम तो यही कहेंगे जो इसमें एलिजिबल हैं, जो हेल्थ वर्कर हैं, जो हमारे फ्रंट वॉरियर हैं कोरोना के, उनको लगवाना चाहिए ताकि हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो। थैंक यू। ये थे हमारे साथ डॉक्टर बलवान सिंह जी। अब ये भी वैक्सीनेशन के बाद ऑब्जर्वेशन रूम में जा रहे हैं, आधा घंटा वो बैठेंगे। किसी तरह की भी अगर उनको कोई भी दिक्कत महसूस होती है तो उसके लिए भी यहाँ पर पूरी तैयारियाँ की गई हैं। यहाँ पर तैनात डॉक्टर उनके स्वास्थ्य की जाँच करेंगे। अगर उनको कुछ भी दिक्कत या अपने आपको अनकंफर्टेबल वो फील करते हैं तो उसका ट्रीटमेंट यहाँ पर किया जाएगा। मैं आपको बता दूं एक बार फिर से कि करनाल जिले में 5 सेंटरों के माध्यम से टीकाकरण की शुरुआत हो चुकी है। यह करनाल के लिए नहीं, हिंदुस्तान के लिए बड़ा ही ऐतिहासिक दिन है। कोविड को हराने के लिए यह लड़ाई बड़ी जरूरी थी, जो कि हम विजय प्राप्त कर चुके हैं। मैं तरुण मदान, सीनियर कैमरा पर्सन सनी चौधरी, समाचार एक्सप्रेस के लिए धन्यवाद। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.